हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका. वेलकम टू अनदर वीडियो. सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे. सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पीसेस जो कि मैंने मीशो से परचेज किए हैं, एंड ये काफ़ी सारे पीसेस हैं. मैंने आई थिंक 10 to 12 सेट्स ऑर्डर किए थे, जिसमें से कुछ मुझे रिसीव हो गए हैं, यानी आई थिंक 8 to 9 पीसेज रिसीव हो गए हैं, एंड कुछ पीसेज हैं जो अभी आने बाकी हैं. तो वो भी जब आ जाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी. सो आज का ये वीडियो एथनिक होने वाला है. इसमें मैं कुर्ता सेट शेयर करूंगी, एंड जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताऊंगी, बिकॉज कुछ सेट तो बहुत ही वर्स्ट आए हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो वीडियो को पॉज करने से पहले मेक श्योर करें कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे मैं हॉल वीडियोस, ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस, ऑल्सो स्टाइलिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझसे अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है टच ऑफ गर्ल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. फर्स्ट जो सेट है गाइस वो ये है, ये 3 पीस में रिसीव हुआ है. जब मैं इसको इमेज में देख रही थी तो मुझे लगा ओह माय गॉड कितनी अच्छी मुझे डील मिल गई है, बिकॉज इसकी जो प्राइस थी वो 600 रुपीज़. 600 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो मुझे लगा काफ़ी वर्थ फाइंग है, बिकॉज पूरा सेट मिल रहा है आपको, आपको पैंट एंड दुपट्टा. तो इसका जो कुर्ता है वो मरून कलर में मिलेगा, एंड मरून कलर में कुर्ता है इसका. ऑल्सो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, नो डाउट कुर्ते की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रिसीव हुई है. ऑल्सो लास्ट में लास्ट तक ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, साइड में भी एम्ब्रॉयडरी इसमें दी हुई है, बैक साइड से कोई एम्ब्रॉयडरी इसमें नहीं मिलेगी. साथ में मिला है गाइज इसके पैंट. एक्चुअली मैं इसको पैंट भी नहीं बोलूंगी गाइज, पता नहीं क्या फिटिंग करते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता. ना तो ये पैंट है ना ये चूड़ीदार ही बोल सकते हैं. बट ये वेयर करने में बहुत अनकम्फर्टेबल था. एक तो इसका फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइट फैब्रिक है. मीन्स ये जो फैब्रिक है कॉटन है, प्योर कॉटन है, बट स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं की हुई है. मीन्स पहनते पहनते में 2-3 धागे तो खुल गए थे, ऐसा लग रहा था कि फट ही जाएगा. सो यहाँ पे इसमें बॉर्डर दिया हुआ है. ऑल्सो ये पैंट भी नहीं है, मीन्स बहुत टाइट है, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बैठ नहीं सकते इसको पहन के. तो ये पैंट मुझे पसंद नहीं आई. साथ में ये दुपट्टा. सो दुपट्टा जो है, दुपट्टा अच्छा है, ओके है, मतलब दुपट्टा ठीक है. यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी इसमें दी हुई है मरून कलर की. कुर्ता एंड दुपट्टा अच्छा है, बट इसका पजामा जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड फिटिंग वाइज. एंड जिन लोगों को हैवी था इसका प्रॉब्लम है गाइज, वो तो बिल्कुल ट्राई भी मत करिएगा. नेक्स्ट भी ये प्रॉब्लम होती है कि मेकअप करने के बाद आपका जो बेस है वो उतना फ्लॉलेस नहीं लगता, मीन्स नेचुरल नहीं लगता. जैसे अभी मैंने भी थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ किया हुआ है, तो जो फाउंडेशन है वो बहुत ही नेचुरल लग रहा है. बिकॉज मैं यूज़ करती हूँ फाउंडेशन यूज़ करने से पहले ये रेने प्री मेकअप ऑयल, एंड गाइज इसको यूज़ करने के बाद अगर आप फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ईजीली ब्लेंड हो जाता है, एंड बहुत ही मीन्स नेचुरल ग्लो आता है, काफ़ी अच्छा ग्लो भी आता है उसको यूज़ करने के बाद. तो जो भी फाउंडेशन आपका केकी नहीं लगेगा, नेचुरल लगेगा. तो अगर आप भी ऐसा कोई ऑयल सर्च कर रहे हैं, या आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि जो आपका फाउंडेशन है वो नेचुरल नहीं लग रहा, तो आप इस टाइप से ये वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं. ये वाला मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके आपको कोई और पसंद है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये वाला मैंने व्यू प्रोडक्ट पर टैग कर दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं इसको, जो भी वेबसाइट पे होगा आपको वहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगा. नेक्स्ट जो सूट मैंने परचेज किया है गाइस वो है ये. ये भी 2 पीस में रिसीव हुआ है, एंड मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि अगर आपको ऑफिस वेयर के पर्पज से, डेली वेयर के पर्पज से अगर कोई सूट चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा. अभी के लिए तो अच्छा ही लग रहा था गाइस, बिकॉज इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक है, ब्रांड है इसका गुशीरी की, एंड 400 रुपीज़ समथिंग में मैंने इसको परचेज किया है. सो 400 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो गाइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है. डेली वेयर के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, ऑफिस वेयर के अकॉर्डिंग भी अच्छा है, इनकेस अगर आप कैजुअल वेयर करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है. इसमें मैंने ऑर्डर किया था एम साइज़, बट मुझे रिसीव हुआ है एल साइज़, एंड मतलब ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. आप ऑर्डर करेंगे एम और आपको मिलेगा एल, फिर रिटर्न और ये सब एक्सचेंज का फैसिलिटी, सो वो सब है. सो यहाँ पे वैसे ये कुर्ता अच्छा लग रहा था, मीन्स एल साइज़ मुझे लूज़ तो है ही, नो डाउट मुझे बहुत लूज़ है, बट स्टिल मुझे ये कुर्ता सेट अच्छा लगा. सो यहाँ आपको प्रिंट मिलेगा, प्रिंट मटेरियल में किया हुआ है. ऑल्सो इसके साथ में मिली है ये मुझे पैंट. सो पैंट में इलास्टिकेटेड वेस्टलाइन, मीन्स इसकी जो पैंट है वो भी बहुत कंफर्टेबल है, कुर्ता बहुत अच्छा है. तो इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं.
नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है ना गाइज, वो है ये वाला सेट। एंड ये सेट भी मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं सोच रही हूँ पहले आपको अच्छे अच्छे वाले भी दिखा दूँ, लास्ट में दिखाऊँ के जो ख़राब मुझे लगे हैं वो। सो ये जो सेट है ना, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। मीन्स इसको तो आप छोटे मोटे, जैसे अगर आपको कहीं एम्ब्रॉयडर्ड पहनने का मन है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये वाला जो सेट है ये सिल्क फैब्रिक में है। इस टाइप का आई थिंक एक सेट मैंने और भी बहुत पहले शेयर किया था, बट ये मुझे इस पर भी मिल गया मीशो पे। तो मुझे लगा मैं ट्राई करती हूँ, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो बहुत कम था। आई थिंक 500 रुपीज़ समथिंग है। 500 रुपीज़ के अकॉर्डिंग तो गाइस काफ़ी अच्छा है। इसमें ये आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, कहीं कहीं से थ्रेड निकल रहे हैं इस एम्ब्रॉयडरी के। थ्रेड अगर मैं खींचूँगी तो आई थिंक ये पूरा फ्लावर जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। सो ये जो है इसका सिल्क टाइप का फैब्रिक है, शेडेड में है। मीन्स आप वेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। गर्मी वगैरह ज़्यादा नहीं लग रही थी, बट फिर भी पॉली सिल्क फैब्रिक है इसका। ऑल्सो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये बॉर्डर साथ में मिली है सेम फैब्रिक की पैंट। सो पैंट भी कंफर्टेबल है इसकी, ये सेम ही फैब्रिक की इसमें पैंट है। पॉकेट दी हुई है, ऑल्सो यहाँ लास्ट में ये बॉर्डर दिया हुआ है इसमें। साथ में मिला है इसके ये दुपट्टा। दुपट्टे का कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मीन्स कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद। सो अगर आप चाहते तो उसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें मेरा साइज है M। नेक्स्ट सूट जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे वो टू पीस में रिसीव हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस हॉल का सबसे अच्छा अगर सूट मैं बोलूँ मुझे पर्सनली, तो मुझे ये वाला लगा है। इसका कलर है मरून कलर, एंड मरून कलर के अकॉर्डिंग अच्छा है। ऑल्सो ये मीन्स लुक में भी अच्छा लग रहा था। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी फिनिश इसमें दी हुई है। यहाँ देखेंगे तो ये अलग से यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है। ये बॉर्डर मीन सेंटर में, इसमें सेंटर में नहीं, साइड में एक पार्टीशन टाइप का दिया हुआ है। साइड में स्लिट भी इसमें दिया हुआ है अलग से। इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क फैब्रिक है, बट सिल्क में अच्छा वाला है। और जो यहाँ पे इसमें इतनी इलास्टिक दी हुई है, लास्ट में ये पैंट में ये बॉर्डर दिया हुआ है। ये सूट मुझे पर्सनली बताऊँ गाइस बहुत अच्छा लगा है। इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, हाईली रिकमेंड। इसमें मेरा साइज M है। नेक्स्ट जो सूट है गाइज, वो डेली वेयर के अकॉर्डिंग मुझे ये सूट भी अच्छा लगा है। इसमें आपको स्लीवलेस कुर्ती मिलेगी। मीन्स डेली वेयर के अकॉर्डिंग, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कैजुअल वेयर के अकॉर्डिंग ये सूट अच्छा है। तो इसमें ये आपको स्लीवलेस कुर्ती मिल जाएगी। कुर्ती बहुत अच्छी लगी, कम्फर्टेबल है। ऑल्सो इसमें ये जो प्रिंट है, ये वाला जो प्रिंट है ये मटेरियल में है, गोल्डन प्रिंट है, वो ऊपर से किया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ में मिली है गाइज इसके प्लाजो, आई थिंक प्लाजो ही है, हाँ प्लाजो है। बट पता नहीं गाइस, प्रॉब्लम ये है पैंट में कि ये पैंट मीन्स टाइट हो जाती है। मीन्स अगर मुझे ना थोड़ी एंकल लेंथ पैंट पहनने का अच्छा लगता है, बट ये जो पैंट है आई डोंट नो कौन इसकी फिटिंग करता है एंड कैसे करते हैं, क्या मेजरमेंट है उनका कि ये पैंट जो है यहाँ से मीन्स थाइस इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि ऊपर होती ही नहीं है। मतलब बिल्कुल वर्स्ट फिटिंग आया है इसके पैंट की। अदरवाइज ये कुर्ता से ठीक लगा है। मतलब अगर आपको एंकल लेंथ पैंट पहनने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, और अगर आपके हैवी थाइस नहीं है। नेक्स्ट जो सूट मैंने परचेज किया है वो है ये। इसको देखने के बाद गाइस मुझे लगा ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये जो कुर्ता मैंने पहना ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कुर्ता। इसका कलर बहुत अच्छा है। ऑल्सो इसमें यहाँ पे टेसल्स दिए हुए हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी है, मतलब ठीक है, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी दी हुई है। इसमें भी मैंने M साइज़ ऑर्डर किया था, बट रिसीव हुआ L। ठीक है, कोई बात नहीं। साथ में मिली है ये, इसके साथ मिली है प्लाजो, आई थिंक प्लाजो है, पैंट है, हाँ पैंट है। बट सेम प्रॉब्लम गाइस, ये जो पैंट है ये थाइस के ऊपर से ऊपर ही नहीं जाती। पता नहीं क्या मेजरमेंट है। मतलब अगर आपके हैवी थाइस हैं तो आप बिल्कुल परचेज नहीं कर सकते इसको। अगर क्योंकि इसकी पैंट तो ऐसी भी नहीं है ना कि प्योर वाइट है तो हम कुछ और इसके साथ में पहन लें। और नॉर्मल थाइस हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये पैंट की फिटिंग तो वर्स्ट है, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा था, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था, मीन्स अच्छी नहीं लग रहा था। सो इसको मैं कम रेकमेंड कर रही हूँ। अगर आपके हैवी थाइज़ हैं तो बिल्कुल नहीं, अगर आपके नॉर्मल मीन्स किसी किसी के बहुत ही स्लिम लेग्स होते हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं। साथ में इसके दुपट्टा भी है, दुपट्टा भी मिला है। सो ये दुपट्टा है शेडेड में, अच्छा लग रहा था गाइज ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था। सभी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे सूट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। वो सुन मैं नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।